नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैब या स्मार्टफोन देने पर हो रहा विचार। डीएमसीएच में पीएम केयर्स फंड के 25 वेंटिलेटर हो गए चालू। तीसरी लहर को देखते हुए पटना के 100 अस्पतालों को बच्चों के लिए रखा जाएगा तैयार। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर होने पर मांझी ने जताई आपत्ति। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अस्पतालों को सरकार देगी अलग बिजली फीडर की सौगात। खेती के लिए अलग से बिजली देने के बाद अब बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को निर्बाध बिजली देने का फैसला किया है। इसके लिए डेडिकेटेड फीडर बनाए जाएंगे और यह काम इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल कोरोना काल में बिजली गुल होने पर अस्पतालों में मरीजों के इलाज में समस्या आ जाती है और आईसीयू ऑक्सीजन या वेंटिलेटर सिस्टम पर रहने वाले मरीजों को बिना बिजली के थोड़ी देर के लिए भी नहीं रखा जा सकता है। इसे देखते हुए बिजली कंपनी ने जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से लेकर रेफरल व प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक को अलग से बिजली देने के लिए 11 किलोवाट का फीडर बनाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह सुविधा निजी अस्पतालों के लिए नहीं है, उनको बिजली की व्यवस्था खुद करनी होगी। सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैब या स्मार्टफोन देने पर हो रहा विचार। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है। खासकर सरकारी स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था से जुड़ने में नाकाम रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बगैर टेक्नोलॉजी, बगैर शिक्षक व बिना किताबों के प्रभावित हुई है। ऐसे में इस डिजिटल युग के महत्व को समझते हुए अब बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टैब या स्मार्टफोन देने पर बात बन रही है। आपको बताया चले कि बीते 17 मई को कोरोना काल में शैक्षिक प्रबंधन की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल बैठक की थी, जिसमें बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को डिजिटल डिवाइस देने के प्रावधान की वकालत की थी। इसके तहत अब स्कूली बच्चों को डिजिटल डिवाइस लेने को लेकर खर्च का आकलन होगा। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार द्वारा 2021-22 को लेकर रखे जाने वाले बजट में इसे शामिल किया जाएगा और केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद ही यह संभव हो सकेगा। मंजूरी मिलने पर इस मद में राशि के अनुसार मौजूदा सत्र में ही बच्चों को डिवाइस दिया जा सकता है। तीसरी लहर को देखते हुए पटना के 100 अस्पतालों को बच्चों के लिए रखा जाएगा तैयार। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर बिहार पर कम होता दिख रहा है। हालांकि अब तीसरी लहर के आने की भी आशंका है और यह लहर बच्चों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस आपदा से पूर्व ही बिहार सरकार अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए सारी तैयारी रखना चाहता है। इसे लेकर पटना और इसके आसपास के इलाके के 100 अस्पतालों को बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहां बच्चे का इलाज हो सकेगा। इसके तहत 90 प्राइवेट व 12 सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है, जिसमें पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, पटना एम्स, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पटना सिटी, दानापुर अनुमंडल अस्पताल, मसौढ़ी, विक्रम, पालीगंज, बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल आदि शामिल है। इसके तहत जिन प्राइवेट अस्पतालों में नीकू या पीकू नहीं होगा, उसे सूची से हटाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अगले एक पखवाड़े के अंदर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध संसाधन का आकलन कर जहां पर सुविधा नहीं होगी वहां व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक अनुमंडल अस्पताल में कम से कम 5 ऑक्सीजन युक्त बेड होगा। इसके साथ ही कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जाएंगे। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए दवाओं का किया गया भंडारण। बिहार में लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं राज्य में इसे महामारी भी घोषित कर दिया गया है और पटना के 4 सरकारी अस्पतालों में इसके इलाज के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बीमारी के इलाज में आवश्यक दवा एम्फोटेरिसिन के 6000 वॉयल पहले ही विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय, सह अस्पतालों एवं विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध कराया है, जहां पर यह दवाई मरीजों को मुफ्त में मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसने यह दवा जिलों में उपलब्ध करा दी है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए RMRI में दवाई का भंडारण भी कर लिया गया है, ताकि इलाज प्रभावित ना हो। बिहार में यास तूफान के असर से तेज बारिश होने का अलर्ट जारी। हाल ही में तावती तूफान के कारण बिहार के कई हिस्सों में आंधी व तेज बारिश हुई थी कि अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रहा यास तूफान का भी असर बिहार में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो इसका प्रभाव 25 मई को बिहार में दिखेगा। इसके कारण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आंधी के साथ तेज बारिश होगी। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 5 से 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने बिहार के करीब सभी हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती हवा सक्रिय है और पंजाब से होते हुए बिहार के पूर्वी हिस्से, झारखंड, असम और मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ रेखा जा रही है। इसके प्रभाव से चंपारण, पूर्णिया, सिवान, कटिहार, भागलपुर सहित 10 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं।
डीएमसीएच में पीएम केयर्स फंड के 25 वेंटिलेटर हो गए चालू। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए आईसीयू में पीएम केयर्स फंड से लगे 25 वेंटिलेटर अब जाकर मरीजों के लिए चालू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ तकनीकी कारणों से ये वेंटिलेटर पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे, जिस कारण वे बेकार पड़े थे। वहीं दरभंगा जिला प्रशासन के सहयोग से इसे फिर से शुरू किया गया है। इसके तहत पुराने सर्जरी भवन में पहले से पड़े हुए मैनिफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट को वहां से कोविड वार्ड की दीवार पर शिफ्ट करवाया गया। इस मैनिफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट के कोविड वार्ड के बगल में लग जाने से नए आईसीयू को एक अलग ऑक्सीजन प्लांट मिल गया। इस ऑक्सीजन प्लांट का पूर्वाभ्यास 22 मई की शाम पीएम केयर्स फंड से लगे दो वेंटिलेटरों को एक सिलेंडर ऑक्सीजन गैस पर चलवाकर किया गया था, जिससे पता चला कि इसमें ऑक्सीजन की खपत कम हो रही है। वरना पहले चिकित्सकों की शिकायत थी कि इन वेंटिलेटर में ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होती है तथा इसमें ऑक्सीजन की शुद्धता की कमी रहती है, लेकिन इस नए ऑक्सीजन प्लांट लग जाने से शिकायत का निराकरण हो गया है। IGIMS में फोन पर किया जाएगा पुराने मरीजों का इलाज। पटना के IGIMS में भर्ती हुए पुराने मरीज जो अब घर पर शिफ्ट हो गए हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। अब ऐसे मरीजों को टेलीफोन के माध्यम से उपचार बताया जाएगा। इसके लिए संस्थान की ओर से प्रक्रिया की जा रही है। इसके तहत कई विभागों के डॉक्टरों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत आज सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक फोन के जरिए उपचार संबंधी निर्देश डॉक्टरों ने दिए। वहीं अगले सप्ताह से टेलीमेडिसिन की भी सुविधा शुरू हो जाएगी। इस बाबत चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि यहाँ पूर्व में उपचार कराए मरीजों के फॉलो अप को लेकर परेशानी को देखते हुए यह सुविधा शुरू की गई है। इसमें सभी विभागों को अलग अलग समय में विभिन्न नंबरों के साथ डॉक्टरों को बैठाकर मरीजों की समस्या का निराकरण कराया जाएगा। वहीं अगले सप्ताह से टेलीमेडिसिन की सुविधा भी शुरू होने पर मरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी डॉक्टरों से सीधे मेडिकल सलाह ले सकते हैं। 7 साल बाद बिहटा का ऑक्सीजन प्लांट फिर से हुआ शुरू। बिहटा का ऑक्सीजन प्लांट 7 सालों के बाद एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिदिन 800 से 1000 जंबो सिलेंडर का रिफिलिंग हो सकता है। बीते दिन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। खुशी की बात है कि अब भी बिहार में ऑक्सीजन प्लांट्स खोलने का सिलसिला पूरी रफ्तार से जारी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज बिहटा में एक और ऑक्सीजन प्लांट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। यास तूफान से निपटने के लिए बिहार NDRF की 5 टीमें बंगाल हुई रवाना। चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए बिहटा के सिकंदरपुर स्थित NDRF 9वीं बटालियन की 5 टीमें रविवार को पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के लिए स्पेशल विमान से रवाना हुई। इस टीम में 145 लोग शामिल हैं। केंद्र के निर्देश पर ये टीमें बंगाल में तूफान प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाएंगी। यह टीमें पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर तथा दक्षिण 24 परगना जिलों में तैनात की जाएंगी। इसके तहत NDRF के कमांडेंट विजय सिन्हा ने कहा कि आपदा के इस घड़ी में हम स्थानीय लोगों को हर संभव मदद करेंगे। इसके लिए सारी तैयारी पहले ही कर ली गई है। लॉकडाउन के दौरान अपने क्षेत्रों में नहीं घूम सकेंगे बिहार सरकार के मंत्री। बिहार में आए दिन खबरें आती हैं कि किसी मंत्री ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया या फिर अपने क्षेत्रों में घूमकर जायजा ले रहे हैं, लेकिन अब इस लॉकडाउन में मंत्रियों के उनके क्षेत्रों या फिर अस्पतालों में दौरा करने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। सरकार के अपर मुख्य सचिव ने सभी मंत्रियों के आप्त सचिव को इस बाबत एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन में मंत्रियों के दौरे करने के कारण कई गाइडलाइंस टूटते हैं, इससे आम लोगों पर प्रतिकूल असर भी पड़ता है और वे लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि मंत्री अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यवस्थाओं का हाल ले सकते हैं और मंत्रीगण को वर्चुअल माध्यम से ही व्यवस्था पर निगरानी रख लोगों की परेशानियों का हल ढूंढने को कहा गया है। नवादा में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के शोरूम में चोरों ने 20 लाख रुपए की मारी सेंध। लॉकडाउन में जहां सभी लोग अपने अपने घरों में बंद है, वहीं बाहर बिना निगरानी के दुकानों व शोरूम में ताला जड़ा हुआ है, जिससे बेखौफ अपराधियों के हौसले फिर से बढ़े हैं। ताजा मामले में नवादा जिले के पेट्रोल पंप के सामने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के एम भजन शोरूम में जबरदस्त चोरी हुई है। इस बाबत जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिन्हा ने बताया है कि सरकार का आदेश का पालन करते हुए दुकानों को बंद रखा गया था, जिसके बाद सुबह उन्हें अचानक जानकारी मिली कि पीछे की ग्रिल का ताला टूटा हुआ है। इस क्रम चोरों ने शटर काटकर और ताला तोड़कर लगभग 20 लाख के सामान की चोरी कर ली है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची और वारदात के संबंध में जांच कर रही है। 11 मांगों के साथ महागठबंधन ने सीएम नीतीश को भेजी चिट्ठी। राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रहे महागठबंधन के सभी घटक दलों ने अपनी 11 मांगों को पूरा करने के संबंध में एक ईमेल के जरिए सीएम नीतीश कुमार को पत्र भेजा है। इस पत्र में महागठबंधन ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आईना दिखाया और कहा है कि एक साल का समय मिलने के बावजूद सरकार कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने में विफल रही है। वहीं उन्होंने अधिकारियों पर फोन नहीं उठाने का भी आरोप लगाया है। इसके तहत विपक्षों ने सरकार से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन व 24 घंटे RT-PCR जांच इत्यादि की गारंटी देने की मांग की है। इसके साथ ही कोरोना से जान जाने वालों के आश्रितों को 4 लाख रुपए देने, चिकित्सा सुविधा को बेहतर करने, अस्पताल में रिक्त पदों को भरने के लिए, रोज कमाने वालों को राशन और गुजारा भत्ता देने, आशा कार्यकर्ताओं व सफाई मजदूरों को विशेष भत्ता और बीमा का लाभ देने व तीसरी लहर के लिए अभी से तैयारी रखने की मांग की है।
वसीम जफर ने कोहली के गाली देने वाली वीडियो को किया शेयर। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वसीम जफर क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में विजडन इंडिया ने एक ट्वीट के जरिए पूछा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ियों को ट्रांसफर करने की अनुमति हो तो किस खिलाड़ी को आप भारतीय टीम में देखना पसंद करेंगे। इस सवाल के जवाब में वसीम जफर ने जवाब देते हुए कप्तान विराट कोहली का एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह टीम के साथ विकेट का जश्न मना रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि विराट कोहली कुछ शब्द बोलते हैं जो उनके होठों के रिएक्शन से गाली जैसा लगता है। वसीम जफर ने विजडन इंडिया के ट्वीट को टैग करते हुए इस वीडियो को शेयर करके उन्होंने ट्रांसफर के जरिए टीम इंडिया में बेन स्टोक्स को शामिल करने का सुझाव दिया। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर होने पर मांझी ने जताई आपत्ति। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर आपत्ति जताई है। मांझी ने आज सुबह ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए, यही न्याय संगत होगा। इससे पहले रविवार को भी मांझी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कोवैक्सीन का दूसरे डोज के उपरांत मुझे प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है, जबकि देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वे सर्वा राष्ट्रपति है, इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावे पीएम और स्थानीय सीएम की भी तस्वीर होनी चाहिए। देश भर में कोरोना मामलों में आ रही है लगातार गिरावट, मगर मौत का आंकड़ा बढ़ा। देश भर में अच्छी खबर यह है कि कोरोना मामले घट रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा हर दिन लगभग 4000 के करीब दर्ज हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,22,315 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान कुल 4,454 मरीजों की जाँच ली गई है। वहीं 3,02,544 लोग संक्रमण से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 27,20,716 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार के करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में 4,002 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान इसके दुगने लोग यानी कि 8,111 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 40,691 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़कर 93.44% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बीते कुछ दिनों से बिहार में कोरोना संक्रमण के कम मामले आने के क्या कारण हो सकते हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।